डियर स्टूडेंट्स आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा जिसको अब फाइलम कनाइडेरिया कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब फ़ाइलम कनाइडेरिया ग्रीक वर्ड्स नाइड इसका मतलब है नेटल ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनके अंदर दोनों तरह की सिमेट्री यानी रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री मौजूद होगी बाय रेडियल सिमेट्री मॉडिफिकेशन है रेडियल सिमेट्री की अलोंग अ सिंगल प्लेन या अलोंग अ पासिंग अ एक्सेस थ्रू द बॉडी एक्सेस और इसमें दोनों बॉडी इमेजेस जो हैं राइट एंड लेफ्ट बोथ आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर इसका रिजल्ट क्या है कि इसके अंदर प्रेजेंस है सिंगल या पेयर्ड स्ट्रक्चर्स की रेडियल एनिमल में एंड दिस सट्री इज़ आल्सो जो रेडियल मिट्री है दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बाइलेट्रल समेट्री इसमें जो दोनों बॉडी हैं के साइड्स हैं दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अंडर रेडियल मिट्रिकल एनिमल्स के अंदर बॉडी का एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड भी मौजूद नहीं होता फ़ाइलम नाइडेरिया इसकी टिपिकल एग्जाम्पल्स बहुत ही खूबसूरत कलरफुल एनिमल्स हाइड्राइ दिस इज हाइड्रा दिस हा, इज जैली

एक साइड पे उसको हम कह देंगे ओरल एंड और दूसरा जो उसका ऑपोजिट एंड होगा उसको हम कह देंगे एब ओरल एंड ओरल एंड की तरफ बॉडी का माउथ प्रेजेंट है और एब ओरल एंड की तरफ बॉडी की एनस मौजूद है रेडियल सिमेट्रिकल जो है दिस इज़ एडवांटेजियस इट इज़ हैविंग मैनी एडवांटेजेस एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ दायोलैटरल सिमेट्री कि ये एनिमल्स जो हैं इनकी लोकोमोशन डिसाइड करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोस्टली वो एनिमल्स जो कि एक्टिव हैं दे आर बाइोलेट्रल और वो एनिमल्स जो कि इतने एक्टिव नहीं हैं जिनको हम सीडेंट्री एनिमल्स भी कह देते हैं दे आर नॉर्मली हैविंग रेडियल समिट्री अब सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स जो हैं प्रोटोजवा से आगे की तरफ हम जाएँ तो दे आर गोइंग टू बी लिटल बिट एडवांस्ड और लिटल बिट कॉम्प्लिकेटेड और जब एडवांस होंगे तो उनमें जो फर्स्ट थिंग अपीयर होगी वो उनके सेंसरी सेल्स होंगे अब यहाँ पे जो सेंसरी सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं रिसेप्टर्स का ये सेंसरी सेल्स या रिसेप्टर्स पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एनिमल कोई भी डेंजर फील करता है या बॉडी की सेंसेशन जो है नाव दैट हैज़ स्टार्टिड अपेयरिंग इन दी एनिमल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा इसमें नाइन थाउजेंड स्पीशीज़ एनिमल्स की इंक्लूडेड है मोस्टली मेरीन है और इकोसिस्टम के अंदर कोरल रीफ बनाने में फायलम सिलंट्रेट्स के एनिमल्स का बहुत किरदार है अब ये ऑर्गेनिज़म्स जो हैं बिकॉज़ यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं तो कोई भी स्टीमोलाय अगर हो इनको टच करे कोई भी कैमिकल हो तो ये एनिमल्स जो हैं दे रिस्पॉन्ड फौरी तौर पर ये रिस्पॉन्ड करेंगे अब इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हुए कि इनके अंदर रेडियल या रेडियल समिट्री मौजूद है डिप्लोब्लास्टिक है टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जेलिटीनियस मिजॉग्लिया प्रेजेंट है बिटवीन द एपिडर्मल एंड गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर्स नर्वस सिस्टम है कि अपीयरेंस स्टार्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेटवर्क स्पेशलाइज सेल्स कनाइडोसाइड्स डेवेलप हुए और ये सेल्स यूज़ होंगे फीडिंग में डिफेंस में अटैचमेंट में एंडोक्राइन्स हारमोनल अपेरेंस स्टार्ट हुई इसके अंदर नर्वस सिस्टम की अपेरेंस स्टार्ट हुई नो सर्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट बल्कि सिम्पल मोड ऑफ डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू ही इनके गैसेस वगैरह एक्सचेंज होंगी नो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट सिलिएटेड प्लेनुला लारवाइज प्रेजेंट दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ ए सिलेंट्रेट हाइड्रा इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस इसमें आप देखें यहाँ पे माउथ है माउथ की अपेयरेंस स्टार्ट हुई यानी टू एंड्स बन गए वन इज ओरल एंड अदर इज एब एंड फुट है जिसके थ्रू ये बॉडीज़ अपने आप को किसी भी सब्सटेंस के साथ या सबस्ट्रेट के साथ अटैच करती हैं बाहर की लेयर एपिडर्मस, उसके बाद इंटरनल लेयर मिजोगलिया फिर इंटरनल लेयर गैस्ट्रोडर्मस और सबसे इंटरनल कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यानी डिप्लोब्लास्टिक हुए बाहर की तरफ लेयर एपिडर्मस अंदर की तरफ लेयर जो है वो गैस्ट्रोडर्मस फिर फूड को कैप्चर करने के लिए टेंटिकल्स हैं ये टेंटिकल्स फ्री मूविंग हैं जैसे ही कोई स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इनके साथ आकर अटैच होगा टेंटिकल्स दे विल एन द फूड इनटू माउथ एंड फ्रॉम द माउथ द फूड विल एंटर इनटू द गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहाँ पे फिर फूड की डाइजेशन होगी डाइजेशन होने के बाद जो रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट्स हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और बाकी जो वेस्ट हैं दे आर नॉर्मली Excreted out. So, typical example of cnidarians, Hydra. It is showing that these animals are little bit more advanced as compared to animals of phylum Porifera and Protozoa.